देश के अधिकतर राज्य इन दिनों भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद राजस्थान में भी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं केरल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बारिश की वजह से नदियों में जल स्तर बढ़ गया है और हजारों एकड़ फसलें, घर आदि बारिश के चलते बर्बाद हो गए हैं। दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज 28 जुलाई को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री रह सकता है। वहीं IMD की माने तो कुछ इलाकों में आज भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून ट्रैफ के उत्तर की ओर खिसकने की वजह से 30 जुलाई तक भारत के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। साथ ही उत्तर भारत की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। साथ ही लखनऊ में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा। वहीं गाजियाबाद में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के सिक्किम के भागों और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बाकी पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, केरल, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण राजस्थान और सौराष्ट्र और कच्छ को छोड़कर देश के लाल हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।